अब कुछ भी नहीं लगती ना, 10th क्लास कुछ भी लगती है, ठीक हम है। कुछ दिन आगे भी और जाते तो हम जैसे जैसे आगे। आप पड़ाव पार करते हैं ना, आपको लगता है कि पिछला पड़ाव तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि मैम, अब तो MBBS को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे नीट तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो बेटा, लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं ना, वो बहुत लाइफ चेंजिंग होते हैं। अगर वो 3 मंथ में सारे डिस्ट्रक्शन हटा करके आप पूरा लग जाते हो ना, तो रिजल्ट निकल जाता है। मेरा भी बहुत रिजल्ट निकला है 3 मंथ के इसमें, ठीक है। तो ये लास्ट का 3 मंथ क्या होता है ना, कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है और आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 टिप आपको बस देना चाहती हूँ। ये लास्ट के 3 मंथ सारे डिस्ट्रेक्शन हटा करके ना, बिल्कुल अगर आप फोकस होकर के पढ़ते हैं, आपको जल्दी याद होगा। क्यों? याद करो, याद करो वो एग्जाम के दिन, एग्जाम का दिन, जिस दिन ना, एग्जाम के पहले वाला दिन, ठीक है। साल भर आपको चीजें समझ नहीं आती है, लेकिन वो एग्जाम के पहले वाले दिन ना पूरा बुक पढ़ जाते हो आप। ये इतना विवेकानंद जीवन लगता है जी। अरे इतना पूरा बुक पढ़ गया, और समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, सब हो गया, होता है ना। तो वही वाले कंसंट्रेशन के साथ आपको विवेकानंद वाला जो है ना फॉर्मूला अपनाना है। विवेकानंद कैसे पढ़ते थे सारे बुक्स को? बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है, और पढ़ते थे और एक बार में उनको याद रहता था। तो आपको ये 3 मंथ, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेवकूफ है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है बेटा। मैंने देखा है आपकी मेहनत को, भले रिजल्ट नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है आपकी मेहनत को, ठीक है। तो आपने मेहनत की है, और आप जो है ये 3 मंथ बिल्कुल फोकस होकर के पढ़िए, और पूरा डिस्ट्रैक्शन हटा करके फोन के लिए तो बिल्कुल अपना ये नियम बना दीजिए कि इतने से इतने समय तक ही मैं फोन छूंगा। और अपने फोन में ना वो ट्रैकर होता है ना, स्क्रीन टाइम ट्रैकर, वो वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको बताते रहेगा कि आपने इतने घंटे देख लिया, आपने इतने घंटे देख लिया, तो वो सही रहता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह से एकदम दूर रहना है, वायरस से दूर रहना। वायरस मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो घर आके आपको बोलते हैं कि चल खेलने चल, ठीक है, वैसे फ्रेंड से दूर रहना। अच्छा डाइट लो, और बिल्कुल जी जान लगा करके बेटा मेहनत करो बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और आपका रिजल्ट मैं बता रही हूँ निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये 3 मंथ काफी होते हैं। और मैम उस टाइम पे तो फिर कोई प्रेशर भी नहीं होता हमारे स्कूल हाँ से ऊपर भी। अभी और अभी हाँ, अब आपका कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, स्कूल से सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे। तो ये 3 मंथ जी जान लगा के बेटा कर लो, निकल जाएगा, ठीक है। भरोसा रखो अपने ऊपर, हो जाएगा। लास्ट का 3 मंथ बहुत क्रूशियल होता है। यस मैम, सो लेट्स मुझे स्टार्ट। ना क्लास हाँ के बाद ना आपसे ना कुछ शेयर करना है, तो आप बस 2 मिनट ठीक है, ठीक है, एक्सक्यूज कर ओके ओके, लीजिएगा। हाँ ओके, चलो। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हम लेक्चर कर रहे हैं, फुल 2 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, लेकिन थ्रू PYQ ओनली, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन होगा बेटा। ये मैं क्वेश्चन खुद बना करके लेकर के आई हूँ, NCERT बेस्ड वाला, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ओके। तो ये जो हम आपने डिस्कस कर लेते हैं। देते हैं इस चैप्टर के मैम, वे मैंने सारे के सॉल्व हाँ, किए जो डीपीपी मैंने हैं। भेजा था आपने सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। अब देखो कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये चैप्टर आपका ऑलरेडी टेस्ट में भी आ चुका है, तो आई होप कि आप आंसर कर सको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन करना कैसे? फास्ट ट्रैक रिवीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन हम करने वाले हैं, और इसके इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे, कवर कर लेंगे, एंड साथ में हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, करेंगे। वेटेज इसका कितना है बेटा? ऑलरेडी बताया हुआ है, बता दो जल्दी। 3 to 4 question 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा खासा वेटेज इसका बनता है आपका। और डू डाई टॉपिक्स इसके कौन कौन से हैं? डू डाई टॉपिक्स में इसका आ जाता है बेटा बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन आपका डीएनए, डीएनए में डीएनए। जितने भी बॉन्ड है ना उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन उठपटांग क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाता है आपका प्यूरिन पिरिमिडिन से, बट दैट्स नॉट द डू डाई टॉपिक, ठीक है, वो रेयरली आता है। और उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट तो आप स्किप नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और बेटा वन शॉट इसका मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, है ना। हम ऑलरेडी NCERT पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, और बहुत हंसते हुए। सो एक्सपेरिमेंट इसके सारे पढ़ लेने हैं आपको, और साथ में लास्ट का जो आपका टॉपिक बचता है ह्यूमन जीनोम तो है,
लेकिन उससे मतलब आने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर जो आपका एक टॉपिक है दैट इज डीएनए फिंगर फिंगरप्रिंटिंग। प्रिंटिंग, ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और मैम एक वेरी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, है ना। में, यस मैम, एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन नहीं आते। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ठीक मैम है, अभी आपकी ट्रांसक्रिप्शन वॉइस कट ट्रांसलेशन एंड लैक ऑपेरॉन लास्ट में आपका बनता है। लैक यस। ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन से कैसा क्वेश्चन आता है, एंजाइम एंजाइम नेम आता है, ठीक है, एंजाइम नेम आ जाता है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका इससे, कंडीशन बेस्ड, ओके, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, इससे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो, मैंने आपको बोला था ना, मैं बताती जाऊंगी कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से आपका सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। सीक्वेंस बेस्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपका, कि आपको लैक ऑपेरॉन में कैसे कैसे चीजें होती हैं। अगर मान लो सुगर है तो क्या क्या होगा, अगर सुगर नहीं है तो पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, समझ गए। वो दरवाजा बंद करता है, याद है ना, रेगुलेटर, वो सब, ठीक यस है। मैम, फिर यस उसके बाद मैम, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सीक्वेंस बेस्ड बनता है। तो बेटा जहां भी मैं लिख रही हूँ कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनका सीक्वेंस लाइन से जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में तो भाई वो जो आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या जितना भी एक्सपेरिमेंट है उनके साइंटिस्ट के नाम को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम को आप पूरा तो पढ़िएगा ही, लेकिन साइंटिस्ट के नेम को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो मैम क्या क्वेश्चन आगे आपने क्या बताया। कुछ नहीं, यही बताया कि साइंटिस्ट का नाम नहीं छोड़ना है, ओके, साइंटिस्ट का नेम। और ना आप अब तो आप ईयर भी नहीं छोड़ सकते बेटा, यस ईयर भी मैम, नहीं मैम छोड़ सकते, ईयर ईयर से से बहुत क्वेश्चन आ क्वेश्चन जाता है। पूछते हैं और मैम उसी में हम कंफ्यूज भी होते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं फिर आप। चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियोसोम इज रिप्रेजेंट इन द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई कीजिए, 1 2 3। वन टू थ्री मैम आइडेंटिफाई आंसर कीजिए। कॉपी नहीं, भी आप करना मुझे चैट बॉक्स आंसर दे दिए और मैं में। किसी एक बच्चे से पूछूंगी भी। भावना बताओ बेटा, मैम सी होगा, सी होगा है ना, ये बोल टू रहे हो, वाला उसको बाइंड कर रहा है तो H1 है वो। डीएनए है, ठीक है। और ये क्या है आपका, H1 एच है वन तो क्या, H1 वाला मीनिंग इसको हम कौन सा हिस्टोन भी बोल, पर हाँ H1 है ना ये। ये क्या है बेटा, लिंकर लिंकर डीएनए, डीएनए, वेरी गुड वेरी गुड, कैसे लिंकर डीएनए डीएनए। बांध के रखता है। हाँ, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, इसमें कितने यूनिट होते हैं, 200 बेस टू पेयर होते हंड्रेड हैं, न्यूक्लियस बेस बेस पेयर पेयर होते होते हैं, हैं, टू बेस पेयर। हंड्रेड बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ऑक्टामर होते हैं, है ना, बिल्कुल ऑरेंज की तरह लगता है देखने में, वेरी गुड। सेंट्रल डॉगमा, ये तो सबको बनता होगा भाई, इजी है, मैम भी है इसका रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, है रेप्लिकेशन ना। अच्छा रेशम बताइए बेटा, रेप्लिकेशन क्या होता है, व्हाट इज रेप्लिकेशन, मैम जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लीकेट मतलब, मैम अपनी डॉटर सेल बनाता है।
मैम रेप्लिकेट मतलब उसकी कॉपीज मैम बनाता, रेप्लिकेशन कॉपीज होता बना है देना, जैसे सेल उसकी साइकिल, कॉपी बनाता है वो, कॉपी डीएनए करता है अपनी अपनी जैसी सेम कॉपीज बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। कॉपी। आप आप जो सेल्स को एड करते हैं सुंदुस नाम उसका का एक स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है भी ना, बनाते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? हाँ सुंदुस बताओ, ट्रांसलेशन क्या होता है? मैम ट्रांसलेशन डीएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं, मैम सॉरी एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा ये जो एमआरएनए बनता है ये डबल स्टैंडर्ड बनता है? डबल डबल मतलब ये आपका कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों से बन जाता है फिर जाके प्रोटीन बनता है, या फिर एक ही से बनता है? मैम एक ही से बनता है ये, मैम एक ही से बनता है, एक ही एक से से ही बनता है, एक ही से बनता है। अगर दोनों से बन जाए तो क्या हो एक जाएगा? ही से बनता है। अगर दोनों से मैम तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा ना, ट्रांसलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड तो वो डबल हाँ डीएनए तब वो बनता है, प्रोटीन डीएनए में पॉसिबल नहीं है, कन्वर्ट नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ क्योंकि अलग अलग फॉर्म हो वेरी गुड जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। साक्षी सिन्हा मैम फोर्थ होगा इसका। एनीवन एल्स स्वा नहीं मैम अलीशा मैम डी ही होगा। यस मैम डी ही मैम। होगा, मतलब बोथ ए एंड बी। अच्छा कौन बताएगा क्यों होगा फटाफट मैम बताओ। क्योंकि इसमें जो टीआरएनए होता है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है, और जैसी जब ये टीआरएनए आते हैं एक वन बाय वन, तो सबसे पहले वो एक बार देखेगा कि एयूजी आया है। जैसी एयूजी आएगा तो वो स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट कोडोन का काम करेगा जिससे स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन। वेरी यस गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है। यस मैम ऐसे ही होगा। ने व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर व्हेन पॉलीपेप्टाइड आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। मैम ये तो इजी ट्रांसलेशन, है ना, सबको पता है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन नेम ऑफ प्रोसीजर वेयर ट्रांसलेशन बाई अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टीआरएनए। चार्जिंग अप ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ चार्जिंग अप ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग अप ऑफ टीआरएनए। पक्का यस यस मैम मैम पक्का। यस मैम पक्का। चार्जिंग होगा या अमाइनो टीआरएनए एसिटाइलेशन मैम नहीं, हो। एसिटाइलेशन नहीं होता, असाइलेशन होता है क्या वो, अमाइनो असाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। बात है अलीशा, तुम तो कमाल कर रही हो। मैम क्या बताया इसने? मैंने बोला रिगार्डिंग कि असाइलेशन प्यूरीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ट्रू। प्यूरीन के बारे में इन सब में से क्या सही है। ऑप्शन नाम प्यूरिन और हेट्रोसाइक्लिक मैम कंपाउंड। बी है ऑप्शन इसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। मैम बी होगा। मैम बी होगा। मैम बी बाकी को मुंह बंद करके क्यों बैठे हो भाई। मैम मोन भर का बी होगा। इन मैम चार ऑप्शन लोगों बी को वो बना के रखा है क्या अपने मेंबर की, भाई तुम लोगों को बोलना है हम लोग तो सुनेंगे। नहीं ना। प्यूरीन सार हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेवन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा। मैम, क्योंकि मैम प्यूरिन जो होता है वो नाइन मेंबर नाइन स्ट्रक्चर मेंबर्ड स्ट्रक्चर होता है मैम। नाम छोटा और दर्शन बड़ा, नाइन वेरी मेंबर्ड होता है। और इसमें बेटा नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे होता है। मैम वैशाली वन मैम वेट फर्स्ट और वेट वेट, नाइन पोजीशन। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन नो मैम, फर्स्ट और नाइन पोजीशन पे होता है ना मैम फर्स्ट और नाइन पोजीशन। नाइट्रोजन। यस मैम और 1379 पे कहाँ किसमें होता है, पिरिमिडिन में। मैम इसी में होता है। मैम इसमें चार नाइट्रोजन होते हैं। हाँ वन टू सेवन नाइन वन थ्री थ्री सेवन नाइन पे नाइन नाइट्रोजन याद होती है, आया। होता है पिरिमिडिन में नहीं होता। 1379 और पिरिमिडिन में कहाँ कहाँ होते हैं। मैम वन थ्री वन वन थ्री थ्री आधा वन हो और जाता थ्री है ना, वन एंड थ्री पे। पे यस विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कंसर्निंग पिरिमिडीन इज अनट्रू। पिरिमिडीन के बारे में मैम गलत ऑप्शन बात मैम है। सेवन मेंबर रिंग्स ही अंडू है। सेवन मेंबर रिंग कितने मेंबर होते हैं।
सिक्स मेंबर वेरी गुड मेंबर. अच्छा ए और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मैम? दो. और सी और डी के बीच में सी और डी के बीच में बने सी एंड जी के बीच में बने टीजीसी. वेरी गुड. ए के साथ टी आएगा, सी के साथ जी, डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड आएगा. वेरी गुड. ओके इफ ए इज, जिससे पूछूंगी वही बताएगा ठीक है. नेहा कश्यप आर यू इन क्लास? है क्लास में? मुझे तो सारे बच्चों के नाम भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे. इमरोज, इमरोज बेटा क्वेश्चन लिख दीजिए ना ताकि हम भी आंसर सोच रहे. इफ ए इज 30% तो बाकी क्या होगा? जी कितना होगा और सी कितना होगा? जी भी 30% किया है. मैम मैं बताऊं? मैम मुझे बताना. कोमल मैम मैं बताऊं? मैम दोनों 20-20% होंगे. मैम 20-20 होगा दोनों. दोनों 20-20 होगा. यस मैम 30% होगा. रट गया ना कैसे बनाना फटाक से. yes, देख करके ही बना लेते हो. वेरी गुड. व्हाट इज टर्म फॉर द रिप्रेसर मेडिएटेड कंट्रोल ऑफ अ लैक ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन? रेगुलेशन क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि वो उसमें ना कंट्रोल बंद करने का काम करता है. पॉजिटिव फीडबैक नहीं, उसको क्या करता है? स्टॉप करने का काम करता है ना, दरवाजा बंद स्विच ऑफ करने का काम करता है. नाउ आपका फेवरेट ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन फटाफट आप लोग जो है मैं नाम लेकर के बोलूं या फिर ऐसे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में? हम चैट में लिखते हैं. हाँ चैट बॉक्स में लिखो. वेरी गुड. दीपांशु ने लिखना शुरू कर दिया. जो हाँ वन का क्या होगा? स्ट्रक्चरल बोल रहे हो? स्ट्रक्चरल थोड़ी गलत हो सकती है. ठीक है कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर टू The promoter is said to be located towards. सबसे पहले देखें कौन आंसर करता है. Five time. वाह साक्षी सैली. मैं 25 लिख दिया गलती से. To be located at 5-5. The terminator is located at 3-end downstream of the. कोमल बोल रही है फिर से स्ट्रक्चरल जीन. गलत नहीं बोल रहे हो तुम लोग? मैम कोडिंग होगा ना, कोडिंग एंड के 3-end पे होता है. क्या बात है अलीशा. कोडिंग स्टैक. अलीशा नजर उतार लेना बेटा. मैम कोडिंग कैसे? हाँ ठीक है. द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज डैश. मोनोसिस्ट्रोनिक और वहां पे पॉलीसिस्ट्रोनिक. Yes, किसने आंसर किया? सौम्या ने ना? सौम्या ने. वेरी गुड. तुम लोग भाई मेरे बच्चे क्लास में तो तुम लोग कमाल करते हो, वहां जाके क्यों ऐसा करते हो? मैम हमने तो वहां पे भी कमाल किया था, वो लग बात तो सेकंड बार में जा नहीं पाए. हाँ वहां जाके ऐसा क्यों कर देते हो? नेक्स्ट RNA polymerase binds to dash and initiate transcription. Sigma factor. नहीं यार sigma factor नहीं आएगा. Start codon आएगा. यहाँ sigma factor नहीं आएगा, start codon भी नहीं आएगा. मैं मेरे को factor आएगा फिर. रोने का काम तो बाद में ना जब टाटा बाय बाय किया जाता है. टेम्पलेट के साथ बाइंड.
मैम एंड बताना है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, जिसने पढ़ा है ना भर भर के एनसीईआरटी उसको पता होगा। चलो सोचो थोड़ी देर, ये बताओ नेक्स्ट वाला। आरएनए पॉलीमरेज जाके सीधा प्रमोटर पे जाके जुड़ जाता है और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। चलो ये इसके लिए मैं टाइम दे रही हूँ। नेक्स्ट प्रमोटर नहीं होगा, प्रमोटर आएगा ना, प्रमोटर ही आना चाहिए। प्रमोटर ही आएगा अगर वो रो सिग्मा फैक्टर से भी बाइंड करता है तो प्रमोटर पे जाकर ही करता है, प्रमोटर पे जाकर के ही करता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सिक्स, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए, फाइव एस आर आर एन ए, एस एन आर एन ए। रमता जोगी याद है रमता? यस मैम, यस मैम, है ना मैम। आर आर एन ए पॉलीमरेज थ्री, आर एन ए पॉलीमरेज थ्री। ये कौन कर रहा है बेटा? आर एन ए थ्री पॉलीमरेज, पॉलीमरेज थ्री, है ना। रमता जोगी से याद रखना है। आर वाला कौन करेगा? वन। एम वाला कौन करेगा? टू एम आर एन ए। और टी आर टी वाला कौन करेगा? थर्ड, रमता जोगी। ठीक है, एच एन आर एन ए आर एन ए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज टू बनाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मैम फर्स्ट का एडेनिन होगा, ये एट नंबर है। हाँ, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, कैपिंग जब लगाते हैं याद है उसको, ये मुख ये पहनाया जाता है। यस मैम, वो जाता है तो उसको एक कैप पहनाया जाता है और उसकी एक टेल लगाई जाती है। यस मैम, तो जो कैप पहनाया जाता है वो किसका होता है बेटा? एडेनिन का, एडेनिन मिथाइल गानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसका होता है? मिथाइल गानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये तीन चार बच्चे ही क्यों जवाब दे रहे हैं भाई? और बच्चों को क्या हुआ है? नहीं आ रहा है कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस का, कुछ नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। मिथाइल गानोसाइन ट्राइफॉस्फेट का होता है मैम वो कैप। या फिर इस फिराक में हो कि ये आंसर तो मिल ही जाएंगे, रट लेंगे हम इनको। हाँ चलो नेक्स्ट। टेलिंग में क्या लगा है बेटा? मैम 200 से 300। यस, 200 से 300, है ना, 200 से 300 होता है। एडिनाइलेट कितने होते हैं? 200 से 300 होता है इसके टेल में, और फिर उसको भेज दिया जाता है। अच्छा, जो पार्ट निकाल दिया जाता है हटा हटा के, ठीक है, इस तरह से जो पार्ट यूं निकाल दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसो जोम, है ना, स्प्लाइसोसोम बोला जाता है। एक्सॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, एक्सॉन को रिमूव करते हैं या इंट्रॉन को? इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज द कंफ्यूजिंग पॉइंट ना, तो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे दो हमको मिले हैं बेटा, आपको याद रखना है, आपको इसको एनसीईआरटी में देखना है। कौन कौन सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था? कैपिंग टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। जिसको आज याद है हो सकता है वो बाद में भूल जाए, तो आपको भी देखना है, जिसको याद है वो भी देखेगा। कैपिंग एंड टेलिंग वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट था, और कौन था? इंट्रॉन एंड इंट्रॉन और एक्सॉन, एक्सॉन, ठीक है, इंट्रॉन एंड एक्सॉन, ये दोनों आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको आपको देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्शल निरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम, ये कुछ नया सा नहीं लग रहा है? एनसीईआरटी में है ये? एनसीईआरटी में नहीं है मैम, ये एनसीईआरटी में है मैम, है ये बेटा, ये जेनेटिक कोड के बाद दिया हुआ बेटा, ये एनसीईआरटी में है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने हमने इसका नाम नहीं लिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में। मैम मैं बताऊं इसका
वेरी गुड वेरी गुड। उस दिन जो हमने याद है मैंने एक दिन क्वेश्चन कराया था सेवेरो लिखा हुआ था उसमें सेवेरो एंजाइम याद आया। मैं एलन का क्वेश्चन एलन का क्वेश्चन करा रही थी आज। आज जब मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस बना रही थी तो मैंने वहां पे देखा, मैंने बोला अभी तक हम इसको पढ़ रहे थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, उधर ध्यान नहीं गया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, समझ गए बेटा। इसीलिए एनसीईआरटी ऐसी है जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही आपको क्या लगेगा कि वो भाई नया है, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे ना आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ये देखो ये अजीब सी लाइन है, ये आपको ना मतलब अभी तक नहीं दिखी थी लेकिन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंजाइम है बेटा? सेवरो ओकाओ एंजाइम, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। तो आज आपका आज आपका काम है कि ये वाला एंजाइम कहाँ पे दिया है, जिसको पता है अच्छी बात है कहाँ पे दिया है, इसको ढूंढ करके अंडरलाइन करेंगे वहां लिखेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आर एन ए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। ये आपको याद रखना अलग से, ठीक है। ये आ सकता है, फिर ये नहीं बोलना कि नहीं मैम ने तो ये बताया नहीं था। फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मैम ट्रिपल यू आएगा, मैम ट्रिपल यू 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 यू, वेरी गुड मैम, यू 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 यू, ठीक है, यू यू यू, ठीक है। हे यू फिनाइल एलेनाइन के लिए, फिनाइल एलेनाइन के लिए चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो क्या लगेगा? हे यू, है ना, यू ही लगेगा, याद रखना। बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो फिनाइल एलेनाइन के लिए आपका यू 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 ही लगेगा। अच्छा फिनाइल एलेनाइन किस तरह का बेटा ये है अमाइनो एसिड? लेकिन ये किस तरह का है? एरोमेटिक, यस एरोमेटिक बेटा, याद करवाया था, एरोमेटिक याद कराया था, टायर की खुशबू और फिनाइल की खुशबू है ना, टायर की और फिनाइल की, ठीक है। मैम यहाँ पे ए यू जी आए, ए यू जी मैम, ए यू जी, यस ए यू जी, ए यू जी मेथियोनिन के लिए कोड करता। और मेथियोनिन किस तरह का आपका अमाइनो एसिड है? मैम एसेंशियल, एसेंशियल। और दूसरा बताओ किस तरह का? सल्फर कंटेनिंग, यस सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, वेरी गुड, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएटर कोडोन। तो बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप खुद की हेल्प करना चाहते हैं, खुद की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप खुद इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक पेज पढ़ लो, एक पेज पढ़ लो, अगर घर में कोई फ्री है, घर में कोई फ्री है तो उनको बोलो, उनको बोलो, आजकल तो भाई आपके पास सबके पास मोबाइल वगैरह रहता ही है ना, उसमें से कुछ लेकर के वर्ड में डाल दें और आपको दे दे, ठीक है। या फिर वो लाइन बोलते जाए और डैश बोल दे, बताओ यहाँ पे क्या होगा, समझ गए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन दिमाग में बैठनी है आपको, और वो कैसे बैठेगी? फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, ठीक है। बस हो गया, ये बताओ क्या होगा इसमें? फ्रेम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हाँ यहाँ क्या आएगा बेटा? कौन है भाई? मुझे लगा अपनी लड़ाइयां कर लो बेटा, इसका नाम भी नहीं कर रहा मुझे। अरे कहाँ है भाई इसका नाम? मैम सबनम का माइक कौन है? हाँ हाँ वही, मैं इसको म्यूट कर रही हूँ, म्यूट हो गई। ओह तो अभी तक गिने चुने बच्चे जवाब दे रहे हैं, उसमें से वो बच्चे कौन कौन है मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ उनका नाम।
सौम्या, सैली, ममता, अलीशा, साक्षी, ठीक है, और वैशाली, कोमल, और कौन जवाब दे रही थी अभी, रेशम, हाँ, अनसुया बेनर्जी, बाकी कहाँ है भाई, राधा जवाब दे रही थी, बाकी कहाँ हो, बाकी को ये नहीं पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, स्नेहा, जेवा, स्वाति, मोहित, मैम रिवाइज नहीं किया अभी, रिवाइज नहीं किया है आप लोगों ने, क्यों नहीं रिवाइज किया भाई, दीपांशु का भी आंसर कम आ रहा है, छाया का आंसर कम आ रहा है, अंजलि का आंसर कम आ रहा है, अनंत का कम आ रहा है, क्यों क्यों नहीं किया है भाई, रिवाइज करके आना है ना आपको, टेस्ट होने वाला है संडे को और आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया, टीचर के भरोसे रहते हो हमेशा, टीचर के भरोसे नहीं रहना है आपको, अपनी तैयारी कर खुद रखनी है, ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ, फ्रेम शिफ्ट है ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अच्छा, दीपांशु आजकल क्लास में बोलते नहीं है, पहले बहुत बोलते थे मैम, वो चैट बॉक्स में ज्यादा एक्टिव रहता है, नहीं, इट शोज की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, पहले ये बहुत बोलता था, अब नहीं बोलता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बेटा। छाया मुझे ये बताइए, पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल बताइए, आपकी एनसीईआरटी में दिया है इस चैप्टर में, यस मैम, बताओ, हाँ वेरी गुड छाया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का अगर डायग्राम आता है और अगर फ्रेम शिफ्ट का डायग्राम आता है तो पहचान लोगे, यस मैम, पहचान लोगे ना, देखो इस बार आपके क्लास 12th के एग्जाम में एक बहुत ही इजी सा डायग्राम आया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, आया था, बहुत इजी सा था डायग्राम, लेकिन स्टिल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, तो बेटा आपको ना इस चैप्टर के जितने डायग्राम है ना उसको बहुत ध्यान से देख के जाना है, समझ गए, डायग्राम से बहुत उटपटांग क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, मैम एक बार वो डायग्राम बता गए थे, मैम एक बार वो बना के दिखा दो, कौन सा डायग्राम, मैम वो फ्रेम साइड नहीं दिख रही मुझे, स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिख तो रही है मैम, रीजॉइन कर लो, हाँ कर लो, ठीक है, चलो डायग्राम वायग्राम देखने का काम खुद करना बेटा, हमें एकदम सीधे बोला गया है कि आपको मेहनत करवानी है, हमें मेहनत नहीं करनी है अभी, ठीक है, हमने मेहनत कर ली, एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है, इसका रिवीजन भी एक बार करवा दिया है टेस्ट से पहले, अब आपको खुद मेहनत करनी है, आपको मेहनत करने सीखना है, अब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड, बताओ कितना नंबर क्वेश्चन है, 14, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, हम क्लोवर लीफ और टर्शियरी इनवर्टेड एल की तरह होता है, यस इनवर्टेड एल की तरह होता है, ठीक है, ओके, और अगर मान लो इधर इनवर्टेड एल दिया है और इधर फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो पहचान, यहाँ समझ जाओगे क्या लिखना है, आपको ये लाइन भी याद होनी चाहिए कि कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल का इन्वर्टेड एल होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्लोवर लीफ होगा, ठीक है, इधर अगर याद है तो उधर भी याद होना चाहिए आपको, समझ गए, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी आपको ना चार क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, फिर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, तो क्या होगा इसका, कॉग्निट टीआरएनए, एनसीआरटी में जब कॉग्निट टीआरएनए लाइन लिखी, हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वाले लाइन में भी आई है, हां ये एनसीआरटी लेकर के तो नहीं बैठे हो तुम लोग, नो मैम पढ़ा था, बिल्कुल एकदम आंसर बता रही है, कॉग्निट टीआरएनए,
मैम जब 12th के लिए याद करी थी चार्जिंग इसका चार्जिंग लगा वेरी गुड ठीक है ये बताइए 16 नंबर द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट बताओ उसका पहले वाला तो नहीं पता नीचे वाला तो पेप्टाइड बॉन्ड था 23S RRNA मैम वेरी गुड अनसुया 23S RRNA ठीक है ओके तो बेटा मतलब थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि पहले जो क्वेश्चन किए उससे कुछ अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको है ना हाँ तो मैं हाँ तो मैं सारे अलग क्वेश्चन लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी से चुन चुन के जो अभी तक नहीं किए जो आपको मिल चुके हैं वो क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि हाँ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किसने किया जेनेटिक मटेरियल फाइनली किसने बोला जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हटाने पे क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर में क्या होता है ये पढ़े हुए हो लेकिन ऐसे कुछ लाइन है जो हमने नहीं देखे थे बहुत ज्यादा ध्यान से उसको हम देख रहे हैं ठीक है सो द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट 20S RRNA आ सकता है क्योंकि अब देखो एनटीए वालों के पास क्वेश्चन नहीं बचे ना तो नए बनाने ऐसे ही बनेंगे लास्ट वाले को कॉन्गेट दिया करने है ना हाँ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बोलो नहीं नहीं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बनाने के लिए बेटा पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए ठीक है राइबोसोम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट ये स्टेटमेंट भी आ सकता है ठीक है राइबोसोम एक्ट एज अ कैटलिस्ट ठीक है नीचे आएगा नीचे स्टेटमेंट आ जाएगा इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड समझ गए या इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कुछ भी दे देगा तो स्टेटमेंट के तौर पे भी ये क्वेश्चन आपका बनता है समझ गए तो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी बनता है और स्टेटमेंट के तौर पे भी बनता है ये क्वेश्चन आपको अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए बेटा दैट अनट्रांसलेटेड अनट्रांसलेटेड रीजन ठीक है और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं यूटीआर ठीक है यूटीआर प्रेजेंट एट द बोथ ये आपको याद रखना है ठीक है फाइव प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट एंड थ्री प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडन तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि फाइव प्राइम एंड होगा तो बिफोर स्टार्ट और थ्री प्राइम एंड है तो आफ्टर स्टॉप कोडन स्टॉप कोडन कौन कौन से थे बेटे उल्लू उल्लू आया गया उल्लू आया उल्लू आया उल्लू आया गया उल्लू गया आया आया है ना चलो वेरी गुड मैम इसका भी यूटीआर होगा वेरी गुड कभी क्या होगा यूटीआर होगा एंड एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता है और उसको हम क्या बोलते हैं यूटीआर बोलते हैं ठीक है इसको हम यूटीआर बोलते हैं अब ट्रांसलेटेड रीजन ये तो नहीं लग रहा मैम कितने क्वेश्चन ले आए हो नो मैम करवाओ आज तक भी हाँ जिसने पढ़ा है उसको मजा आ रहा होगा जिसने नहीं पढ़ा उसको लग रहा होगा क्या बकवास है डाइल्यूक्टेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ देखो ये आपको याद रखना है कि वो क्या थे जेनेटिसिस्ट थे और कौन बायोकेमिस्ट था ठीक है जेनेटिसिस्ट कौन था जैकोब था जैकोब ठीक है नाम भी अच्छे से याद करके जाना है एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो कि आपको ईयर अच्छे से याद हो अगर दे दे फ्रैंकोइस जैकोब अगर दे दे फ्रैंक जैकोब तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो फ्रैंकोइस जैकोब ही था और जेनेटिसिस्ट ही था समझ गए अब बेटा एनसीईआरटी डिमांड करती है एनटीए कि आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ो फिर बायोकेमिस्ट मोनोड मोनोड जैक्यू मोनोड ठीक है
क्वेश्चन नंबर 20 द आई जीन को आई जीन रिप्रेसर होगा और जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज वेरी गुड वेरी गुड ठीक है आई जीन आपका ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज अच्छा मैंने ट्रिक क्या बताई थी जरा बताना मैम वो लड़की को प्रपोज करोगे तो पढ़ेगा कल पढ़ हाँ लड़की को करोगे प्रपोज तो पढ़ेगा जया को यस मैम जया को जया तो क्या होगा गाल पे थप्पड़ है ना यस मैम हाँ इसमें हो गया इस पे गाल हो गया वाई से क्या हो गया परमिएज और ये क्या हो गया आपका ए से गाल पे थप्पड़ ठीक है आई जीन कोड्स फॉर क्या बताया था रिप्रेसर वेरी गुड 1990 में कितना साल लग गया था बेटा इसको मैम 13 इयर्स में 13 इयर्स और मैंने बताया था ना कि 2006 में 2022 में भी एक्स क्रोमोसोम लास्ट जा करके बेटा अभी 22 तक जा करके वो पूरा डॉक्यूमेंटेड हुआ है अच्छे से ठीक है कितने साल लग गए इसको ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 20,000 बेस पेयर यस 3×10^9 आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली कितने जीन 20,000 to 25,000 वेरी गुड जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि ये मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा और हम रट लेंगे तो बेटा मैं बता रही हूँ ये मैं पीपीटी में करा रही हूँ मैं इसका एनोटेशन खत्म करके आपको भेजूंगी आपको ये आंसर दोबारा करना है ठीक यस मैम ठीक है ये सारे मिट जाएंगे जितने आंसर है सारे मिट जाएंगे दिस विल बी योर होमवर्क कि आपको इसको दोबारा करना है सो जो चलाक बन रहे हैं तो चलाक मत बनो आपको एनसीईआरटी देखनी ही पड़ेगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव डीएनए को आइडेंटिफाई करना वेरी गुड वेरी गुड ये बताओ द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए एंड दिस वन मिनी सैटेलाइट VNTR में क्या होता है बेटा मिनी सैटेलाइट ठीक है वेरी गुड मिनी सैटेलाइट ओके लेकिन हाँ खत्म तो हो गया लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है क्या आप मुझे सीक्वेंस बताना चाहेंगे सीक्वेंस बताओगे ठीक है सीक्वेंस बताओ मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए फिंगर हाँ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में आप मुझे सिर्फ प्रोसेस का नाम बताते जाओ कि सबसे पहले क्या होता है फिर क्या होता है फिर क्या होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले फिंगर प्रिंटिंग हाँ सबसे पहले क्या होता है बेटा भावना आइसोलेशन के बाद हम डाइजेशन कराते हैं डीएनए का एम्प्लीफिकेशन डाइजेशन फिर अलीसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बनाए थे उसको जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं उसे सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन से इसकी ब्लॉटिंग होती है ब्लॉटिंग कहते हैं इसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं यस मैम सदर्न ब्लॉटिंग या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सदर्न ब्लॉटिंग ये याद रखना है सदर्न ठीक है सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन फिर लास्ट और
हाँ फिर रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है ओके ये आपका सीक्वेंस आ गया ठीक है मुझे बताइए ये जो आपका N15 N14 वाला जो एक्सपेरिमेंट था यस मैम हाँ वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था मैथ्यू मेसेलसन एक्सपेरिमेंट मेसेलसन एंड स्टेनली एक्सपेरिमेंट मेसेलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट ठीक है स्टाल एक्सपेरिमेंट क्या बताया था इसने मैम इसमें ना उसमें आइसोलेशन बताई थी सिर्फ साक्षी सिन्हा बोलेगी सिर्फ साक्षी सिन्हा मैम इसमें ना नाइट्रोजन की आइसोटेप आइसोटोप लेबलिंग कर दी थी और मैम फिर उसमें इन्होंने कुछ डाला था उसके बाद जो है मैम जो आइसोटोप लेबलिंग की थी उसमें मैम जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थे मैम वो चेंज नहीं हुए थे और जो न्यूक्लिक एसिड थे डीएनए आरएनए वो चेंज हुए थे इसमें क्या बताया था बेटा कि वो हाफ हाफ होके अपना वो बनाते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था ठीक है सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताया था इन्होंने ओके इसको मुझे ये बताइए कि 20 हाँ सॉरी फोर्थ जनरेशन में क्या रेशियो आ रहा है 1:7 कुछ याद आ रहा है फोर्थ जनरेशन में क्या रेशियो आता है एट्थ जनरेशन में क्या रेशियो आता है या उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या रेशियो आता है ये आप निकालेंगे ये आपका होमवर्क है ये मैंने करवाया हाइब्रिड बन जाते हैं और फिर थर्ड में जाके दो ही हाइब्रिड बनते हैं और उसके साथ दो लाइट वाले बनते हैं जो भी रेशियो बनता है ये रेशियो आपको निकालना है कॉपी में निकालना है फिर से निकाल के देखोगे क्योंकि रेशियो हम फिर निकालना भूल जाते हैं ठीक है बहुत इजी है तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है गो थ्रू दैट और मेसेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का आप ये जनरेशन में क्या रेशियो आता है रेशियो से क्वेश्चन बनता है बेटा ठीक है रेशियो आप निकालेंगे ओके रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर आपका वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें बैक्टीरियोफेज का यूज किया गया था क्या बताया था उसमें कि मैम डीएनए जो डीएनए है उसमें फॉस्फेट है और मैम उसने प्रूफ किया था कि उसमें डीएनए है हाँ डीएनए ही ट्रांसफर होता है डीएनए इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है हाँ एक्चुअली ट्रांसफर प्रोटीन की कोड होते हैं वो बाहर रह जाती है और जो हम जो हम जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा ट्रांसफर होता है वो हमारा आगे जाकर के ट्रांसफर हो जाता है वेरी गुड यस मैम डीएनए ही एक्चुअली ट्रांसफर होता है अगर हम डीएनएज डाल दें किसी में तो मैम नहीं होगा क्योंकि एंजाइम क्योंकि जब कुछ भी नहीं जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में क्योंकि डीएनए ही ट्रांसफर होता है ना कि प्रोटीन तो वो जब बचेगा ही नहीं तो कुछ रहेगा ही नहीं ठीक है यस मैम ओके तो एंजाइम डीएनए डाइजेस्ट कर लेगा डीएनए को तो फिर मैम वो होगा ही नहीं तो बेटा ये आपका हो गया एंड अभी भी बहुत सारी चीजें इसमें बच जाती हैं तो ये आपको खुद से पढ़ना है बाकी ठीक है मैम हाँ जब नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कराएंगे दिस इज नॉट क्लियर ठीक है दिस इज नॉट क्लियर मे बी शिवानी मैम ना आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर बच गया है अभी आने वाला अच्छा प्रिंसिपल प्रिंसिपल वो चल ही रहा है अभी खत्म नहीं हुआ होगा ना मैम वो स्टार्ट होगा उसका रिवीजन उस दिन नहीं हुआ था नहीं मैम मतलब ऐसे डिस्कशन कराया था ओहो उस दिन नहीं हो पाया और बता देते मैं